शादी लगल बहुआर बा उ कहल शादी करे के मोबाइल दो हम कहीं हम मोबाइल ना दे हमारा घर आइए तो मोबाइल दियाई हम वहाँ मोबाइल ना दे फोन पर अपना घर से फोन लगा के हमारा बेटा के मोबाइल पर जवाब सवाल कैल लड़की हमार बेटा कहलन हम शादी ना करें हमारा कभी ने जवाब कर दिया घर जाए तो हमारा माई के का दशा करी। हम दीपक मांझी की मौत के बाद पूरे परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया है। युवक की शादी सिसवा बहुअरवा गांव में अंगूर पासवान की बेटी से तय हुई थी। गुरुवार की शाम 5 बजे लड़की वाले उसके घर आए थे। इसी बीच दीपक मांझी ने लड़की वालों के सामने शादी नहीं करने की बात कही थी। इसके बाद लड़की वाले भी तल्ख हो गए। मृत युवक की माँ आरती देवी और चाची गीता देवी ने बताया कि शादी को लेकर पंचायती में 5-6 लोग आए थे, धमकी दिए कि यदि शादी नहीं करते हैं तो अपने बेटे का हाल देख लीजिएगा, बहुत पछताना पड़ेगा। फिर उसी रात ये घटना घटी। परिजन दीपक की हत्या कर शव लटका देने का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का रो रो कर पूरा बुरा हाल है। मृतक कश्मीर में मकान पेंटिंग का काम करता था, छठ पर्व में घर आया था। पर्व बीतने के बाद वे वापस काम पर जाने वाला था। अपने बहनोई की बाइक लेकर रिश्तेदारों के यहाँ प्रसाद देने गया था। मामले में एक उल्लेखनीय बिंदु ये कि युवक का शव दुपट्टे से लटका हुआ मिला है। इतना ही नहीं, धूमनगर बेलवा टोला से रमौली गांव का ये घटना स्थल करीब 11 किलोमीटर दूर है, जबकि घटना स्थल और मृतक के गांव से सिसवा बहुअरवा गांव की दूरी भी करीब 8 से 9 किलोमीटर है। ऐसे में काफी हद तक संभव है कि घटना स्थल के आसपास से युवक की मौत की तार जुड़ी हुई हो। बहरहाल पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। शादी लगल बहुआरवा अंगूर पासवान के बेटी से उ कहल शादी करे के मोबाइल दो हम कहीं हम मोबाइल ना दे हमारा घर आइए तो मोबाइल दियाई हम वहाँ मोबाइल ना दे फोन पर अपना घर से फोन लगा के हमारा बेटा के मोबाइल पर जवाब सवाल कैल लड़की हमार बेटा कहलन हम शादी ना करें हमारा कभी ने जवाब कर दिया घर जाए तो हमारा माई के का दशा करी हम बाहर रहनी हमारे बाप बाहर रहे हम शादी ना करें लोग से जवाब सवाल जब शादी ना करबू तो तारा बेटा के हमनी के टांग ले जाए जाई तू अपन सोच लिया हम कहनी जा तो टांग लिया जान हम जे होय ऊपर या ली हम शादी ना कल फोन कइल सन लड़की के भौजाई जे जा तारे लो आजू हम कहनी हम आज घर ना रहे हमरा नैहर हमरा भतीजे के दोंगा के दिन बा बिने हमर भतीजे दोंगा करावे जइहे हम जाए कहल सन ठीक ओकरा बाद हम सरियात बरियात रहनी तले उ चल अल सन अभी हम जाए ना पानी अल सन कहतर सन जे के तरका हो हम कन के तरका हो जाए तो हमरा रहे के नहीं खे हमर लड़को नहीं खा आवता रहे जाए जाए दोंगा करावे जाइए अब वहाँ से हम कौ दिन में आए तब कौन बात हुई कहत अपन सोच लिया तू शादी ना करबू तो हमी के दोष जान दी अपन हमर बेटा वाले हमर बेटा से पूछल कहल हमर बेटा जे हम शादी ना करे आ तो तब अपन सोच दी हमी के दोष जान दी कहानी ठीक बा ओकरा बाद में काम करनी जितना सब बात सब बताए ओकरा बाद में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पेड़ में एक डेड बॉडी लटका हुआ है। पहचान दीपक मांझी के रूप में हुआ है जो धूमनगर के रहने वाले हैं। अभी परिजन आ रहे हैं, परिजन के आने के बाद ही वस्तु स्थिति की वास्तविक जानकारी हो पाएगी।